हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से टोपोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस में आता है हमारा सेपरेट सेट। लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन टू नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी आर सेट टू बी सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ इफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू फाइव एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। दीज टू कंडीशन कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव। यानी कि दो कोई भी दो सेट होंगे, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, वो सेपरेटेड तब कहलाएंगे जब ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाइव होगा और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी का जो जो होगा वो भी फाइव होगा। और जब इन दोनों का यूनियन करोगे तब वो क्या होगा, वो फाइव होगा। तब हम इसको कहेंगे कि वो सेपरेटेड सेट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन द रियल लाइन वी कंसिडर थ्री सेट ए 0,1, बी 1,0, सी 1,2। ठीक है, ये ओपन, ये क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल में। तो हमने माना कि जो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर होगा वो इस तरीके से होगा, जो फाइव होगा, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी है तो इसमें 0,1 इंटरसेक्शन 1,2 है तो ये भी फाइव होगा। ठीक है, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन सी करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, वो वन आ जाएगा, जो कि नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई है। तो हम कह देंगे कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन सी इज नॉट अ सेपरेटेड। ठीक है, तो थ्योरम आपको, थ्योरम है टू सेट आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट एंड नीदर ऑफ देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। सिंस वी नो दैट ए एंड बी आर टू सेपरेटेड सेट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज इज, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी जो हमारी, किसकी कंडीशन, सेपरेटेड की, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल टू फाइव और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो अब जब ये बराबर फाइव है तो हम कह देंगे दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो अब यहाँ से कह दोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या है, जो फाइव के बराबर है, क्योंकि जब दोनों का यूनियन ही फाइव है तो दोनों अलग अलग में भी क्या होंगे, फाइव ही होंगे। ठीक है, दिस शोज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट एंड ए कंटेन नो लिमिट पॉइंट ऑफ ई। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए और बी है वो डिसजॉइंट सेट है और ए भी कोई भी लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता है बी का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ये फाइव हो जाएगा, इससे हम कह देंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड बी कंटेन नो लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली जैसे हमने उसको दिखाया कि ए का कोई भी लिमिट पॉइंट बी में नहीं है, उसी तरीके से हमने ये भी दिखाया कि बी का कोई भी लिमिट पॉइंट ए में नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है सबसेट ऑफ सेपरेटेड सेट आर सेपरेटेड। लेट ए एंड बी बी टू सेपरेटेड सेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, देन ये हमारी दो कंडीशन हो जाती है। तो हम ऐसे कह देंगे सी कंटेन इन ए एंड डी कंटेन इन बी। तो सी सी इंटरसेक्शन डी का क्लोजर कंटेन इन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव और सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी कंटेन इन ए ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। तो सबसेट ऑफ सेपरेटेड सेट है सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका आता है टू क्लोज सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट। तो इसमें नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी, सिंस सेपरेटेड सेट आर डिसजॉइंट सो इन पर्टिकुलर क्लोज सेपरेटेड सेट आर ऑल्सो डिसजॉइंट। तो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर कन्वर्स आता है लेट ए एंड बी बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट, देन अगर कोई भी ये दो डिसजॉइंट सेट हैं तब क्या होगा, ए क्लोजर बराबर ए होगा, बी क्लोजर बराबर बी होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाइव होगा और ए जो भी ये कंडीशन फाइव होती है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ए क्लोज ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अगली थ्योरम आती है कि जो यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट इज क्लोज सेट एंड द इंडिविजुअल सेट आर ऑल्सो क्लोज। ठीक है, ए बी जो दो सेपरेटेड सेट हैं सच दैट ए यूनियन बी क्या है, क्लोज होगा। तो आपको दिखाना है कि ए और बी क्या है, देन ए बी क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। तो ये हमारी सेपरेटेड की कंडीशन है। तो ए यूनियन बी बीइंग क्लोज, तो ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम से होता है। ठीक है, तो ए क्लोजर बराबर ए क्लोजर इंटरसेक्शन इतना हो जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करोगे, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होता है तो ए क्लोजर बराबर ए हो जाएगा। सिमिलरली बी क्लोजर भी बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि ए और बी क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, फिर आता है यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट इज ओपन, देन इंडिविजुअल सेट इज ऑल्सो ओपन। तो ए बी भी दो सेपरेटेड सेट हैं सच दैट ए यूनियन बी जो ओपन सेट, ए यूनियन बी ओपन है तो बी क्लोजर बीइंग क्लोज्ड, देन बी क्लोजर का क्लोजर जो हो, बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब बी क्लोजर ओपन है, क्लोज्ड है, तो उसका क्लोजर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो ये इसको हमें से ले सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आया, यहाँ पर से आया। तो ए यूनियन फाइव बराबर ए हो जाएगा, तो ए इज ओपन। सिमिलरली बी भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड सेट। कनेक्टेड में आता है कि लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ सबसेट ऑफ ई ऑफ एक्स
इज सेट टू बी डिस्कनेक्टेड इफ एंड ऑल इफ देयर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। वो डिस्कनेक्टेड सेट तभी कहलाएगा जब वहां पर दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट होंगे ए एंड बी सच दैट ई इज इक्वल टू ए यूनियन बी। वी से दैट ए एंड बी फॉर्म अ पार्टीशन और सेपरेशन ऑफ ई, ई इज इक्वल टू ए डैश बी। ठीक है, सेट ई इज सेट ई इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ इट हैज नो सेपरेशन। जब सेपरेशन होगा तब वो डिस्कनेक्टेड रहेगा, जब उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगा तब हमारा वो क्या कहलाएगा, नो वो कनेक्टेडनेस कनेक्टेड कराएगा। तो एग्जांपल है फाइव इज कनेक्टेड सिंस फाइव कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। तो क्या है, फाइव को हम दो नॉन एम्प्टी सबसेट का सेपरेट के टर्म्स में सेपरेट नहीं दिखा सकते। सो फाइव क्या हो जाएगा, आपका सेपरेशन हो जाएगा किसी उसके। सो फाइव हैज नो सेपरेशन सो इट इज कनेक्टेड। जब उसका सेपरेशन ही नहीं है तो कनेक्टेड कहाँ से होगा। एग्जाम्पल है कि एवरी सिंगल टन सेट इज कनेक्टेड, यानी कि जो हर सिंगल टन सेट होता है, जैसे एक ही एलिमेंट होता है, जैसे ये सिंगल टन एक्स है, ये होता है सिंगल टन सेट। तो लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स कर रहा है एक्स में बिलोंग, देन एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी। तो जब एक्स है इसको दो नॉन एम्प्टी सबसेट के यूनियन में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो एक्स हैज नो सेपरेशन सो एक्स इज कनेक्टेड। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका कनेक्टेड हो जाएगा, सेपरेशन ही नहीं है तो आपका वो क्या हो जाएगा कनेक्टेड हो जाना है। थ्योरम आती है जो अगली इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि वाई टाउ वाई बी ए सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ एंड E contain in X, then E is tau Y connected if and only if E is tau connected. Necessary condition आ जाएगी, in order to have a separation of E with respect to either topology, E must be union of two non-empty disjoint set A and B. Then A comma B contain in Y contain in X. तो let यहाँ से क्या हो जाएगा, E B and T Y contain tau Y connected set हो जाएगा। If possible, E B D tau disconnected या फिर T disconnected जो कहना चाहते हैं, तो A intersection of closure B union of closure A इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव हो जाएगा। तो आपको ये लिखा आपने ए इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन क्लोजर का क्लोजर और एक्स और बी क्लोजर ऑफ बी हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ वाई इंटरसेक्शन ऑफ बी दोनों के बीच में इंटरसेक्शन वाई लगा दिया हमने, फाइव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ वाई बी और यूनियन ऑफ क्लोजर ऑफ वाई ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव हो जाता है। दिस शोज दैट ई इज टाउ वाई डिस्कनेक्टेड विच गिव्स ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो ई इज टाउ वाई कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ वाई डिस्कनेक्टेड के लिए वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा, टाउ वाई कनेक्टेड हो जाएगा। डिस्कनेक्टेड के लिए कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो टाउ वाई कनेक्टेड हो गया। फिर कन्वर्सली में क्या लिखोगे, कन्वर्सली में अब जो कंडीशन लेके चलोगे, लेट ई बी टाउ कनेक्टेड जो हमने निकाला उसको लेके चलते हैं कन्वर्सली में, यानी कि सफिशियंट कंडीशन होती है ये। एंड इफ पॉसिबल लेट ई बी टाउ वाई डिस्कनेक्टेड देन ई इज द यूनियन ऑफ टू सबसेट ऑफ सेट। तो हम इसको इक्वल टू फाइव ले लेंगे और इसको भी हम इक्वल टू फाइव ले लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने फाइव के बराबर ले लिया, ए इंटरसेक्शन ऑफ क्लोजर एक्स बी यूनियन क्लोजर ऑफ एक्स ए बी इक्वल टू फाइव ले लिया। देयरफॉर ए कॉमा बी कंटेन वाई करेंगे, दिस शोज दैट ई इज टाउ डिस्कनेक्टेड विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो व्हेनेवर ई इज टाउ डिस्कनेक्टेड देन इट इज टाउ वाई कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, अगले थ्योरम आती है आपकी क्या कहती है, देखो इफ ई इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ टोपोलॉजी कल स्पेड एक्स टाउ विच इज विच हैज अ सेपरेशन एक्स इक्वल टू ए ऐसा भी, देन आइदर ई कंटेन इन ए और ई कंटेन इन बी। ठीक है, तो सिंस एक्स इक्वल टू इतना है, इट फॉलो दैट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि ए अभी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स के। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाएगा आपका। जब ये हुआ तो ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर फाइव, ये आपकी कंडीशन होती है सेपरेशन की। तो ई इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स की जगह ए यूनियन बी लिख दिया हमने, तो इसको स्प्लिट करते हैं, इंटरसेक्शन को ए के साथ लेके फिर बी के साथ लेके बीच में यूनियन आ गया, तो क्वेश्चन नंबर टू हो गई। फिर क्या किया आपने, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ले लिया, तो कंटेनिंग इसमें करा तो इक्वल टू फाइव हो गया। अब ई इंटरसेक्शन ए का क्लोजर लिया, इंटरसेक्शन ऑफ ई इंटरसेक्शन बी कंटेनिंग ए क्लोजर ई इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये भी फाइव के बराबर हो गया। इफ ई इंटरसेक्शन ए फाइव के बराबर नहीं है और इंटरसेक्शन बी भी फाइव के बराबर नहीं है, देन ई बराबर इतना हो जाएगा। दिस गिव्स अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट ई इज कनेक्टेड सेट, इधर ई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव होगा या फिर ई इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, फाइव होगा। तो केस वन अगर ई इंटरसेक्शन बी फाइव है तो ई कंटेनिंग बी हो जाएगा, केस टू अगर ई इंटरसेक्शन बी फाइव है तो ई कंटेनिंग ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये आ गया। अगले चरम है, इफ ई इज कनेक्टेड सेट एंड ई कंटेनिंग एफ कंटेनिंग ई क्लोजर देन एफ इज कनेक्टेड। सपोज एफ इज नॉट कनेक्टेड, हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे तो एफ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, एफ मस्ट बी सेपरेटेड एज एफ इक्वल टू ए बी, नाउ एफ बीइंग कनेक्टेड सबसेट ऑफ डिसकनेक्टेड सबसेट, तो ई कंटेनिंग एफ कंटेनिंग ई क्लोजर कर दिया हमने। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ये हमने डिस्कनेक्ट है, सिंस एफ इक्वल टू ए ये भी हो गया, तो ई कंटेनिंग ए और ई कंटेनिंग बी फ्रॉम अबव थ्योरम से हमने ये निकाल ही रखा है, आपको बताया भी। ठीक है, ई कंटेन ए का करता है और ई कंटेन बी में करता है, तो ई कंटेन ए है तो ये ई क्लोजर कंटेनिंग ए क्लोजर, तो ई क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए क्लोजर का क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देखें, ये विच गिव अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट बी इज नॉट एम्प्टी, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि बी एम्प्टी नहीं है। जब बी आ रहा है फाइव आता तो हम कहते हैं एम्प्टी है, जब फाइव आ रहा है तो नॉन एम्प्टी हो गया, बी आ रहा है तो नॉन एम्प्टी। सिमिलरली इफ ई कंटेन बी इट गिव ए इक्वल टू फाइव विच इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर एफ मस्ट बी कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू फाइव देगा तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, यहाँ से हम कह देंगे कि जो हमारा एफ है मस्ट बी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे।
अब देखो ये अगली थ्योरम है आपकी, द यूनियन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट हैविंग अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इज कनेक्टेड। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए ऐसे इंपोर्ट देख लो आप इसको, अगर आप करना चाहें तो आप इसको उतार सकते हो और देख सकते हो ठीक है अच्छे से। तो देखो फिर अगली थ्योरम है यहाँ पर देख लो, इफ अ कनेक्टेड सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस हैज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद बोथ अ सेट ए एंड ए हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट ए एन देन ई हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद द बाउंड्री ऑफ ए। तो आप इसको कैसे करोगे, ई इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू फाइव हो गया, तो ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ई इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट है ठीक है। ई इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाय हाइपोथेसिस से ए डज नॉट इक्वल टू फाइव हो जाएगा और ये भी फाइव के इक्वल नहीं होगा, ए इंटीरियर फाइव के बराबर नहीं होगा ठीक है। मोर ओवर ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये पूरा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये बराबर क्या आ जाएगा फाइनली फाइव के बराबर। तो सिमिलरली ई इंटरसेक्शन ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइव के बराबर हो गया। दस ई हैज अ सेपरेशन ई इज इक्वल टू दिस, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सिंस ई इज कनेक्टेड हैंस ई इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू फाइव। तो अल्टरनेटिव कंडीशन क्या हो जाएंगी, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा विच इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, दैट ए बी अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज देन क्लियरली ए कॉम्प्लीमेंट इज अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ क्लोज एंड ओपन। तो दस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव हो गया, तो ए क्लोजर बराबर ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट बराबर इतना हो जाएगा एंड देयरफॉर ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर इतना हो जाएगा, ये फाइव के बराबर है और ये भी फाइव के बराबर हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ से कह दोगे कि एक्स बराबर इतना, तो एक्स इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी एक्स एक्स इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सबसेट्स सेट्स हैज हेंस एक्स इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके एक्स डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। जब एक्स डिस्कनेक्टेड हुआ तो कन्वर्जली में हम लेके चलेंगे कि लेट एक्स डिस्कनेक्टेड है तो हमने ले लिया कि ए यूनियन बी बराबर एक्स, तो इतना इतना ये क्या हो जाएगा एक, ये दोनों तो कंडीशन है सेपरेटेड की ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू ए क्लोजर यूनियन बी बराबर एक्स, ए यूनियन बी क्लोजर बराबर एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव हो गया। तो नाउ यहाँ से हमारी इक्वेशन वन आ जाएगी, इस इक्वेशन को लिखोगे इक्वेशन टू हो गई, यहाँ से आपकी इक्वेशन थ्री आ जाएगी, इसको आप ध्यान से देख लें ठीक है। फिर क्या है, ये बीच में एक माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, एक्स डिफरेंस ऑफ बी क्लोजर एक्स डिफरेंस ऑफ ए क्लोजर ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सिंस ए फाइव के बराबर नहीं है बी फाइव के बराबर नहीं है, इट फॉलो वन दैट ए इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, नाउ टू शो दैट ए इज ओपन एंड वन एंड थ्री टूगेदर रिवील दैट ए इज क्लोज, दस ए इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। तो लास्ट थ्योरम आती है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ द ओनली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज ओपन एंड क्लोज इज एक्स इटसेल्फ, दैट इज सपोज टू सपोज कर लेके एक्स्ट्रा कनेक्टेड है तो लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट हो गया, जहाँ पर ए क्लोजर बराबर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर बराबर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाइव हो गया, तो ए क्लोजर यूनियन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाइव हो गया, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा फाइव के बराबर हो जाएगा। मोर ओवर एक्स बराबर इतना, दस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर टू सेपरेटेड सेट हुज यूनियन इज एक्स के बराबर हो गया ठीक है। नाउ इफ ए डज नॉट इक्वल टू फाइव, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइव के बराबर नहीं होगा, दस वी हैव अ सेपरेशन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड द सेम विल सेपरेट एंड द सेम विल कॉन्ट्राडिक्ट द कनेक्टेडनेस ऑफ एक्स, सो इधर ए इज इक्वल टू फाइव या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाइव हो जाएगा, बट दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ से दिस शोज दैट द ओनली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इज एक्स इटसेल्फ। कन्वर्सली क्या कर लेंगे, लेट द ओनली सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इज एक्स इटसेल्फ देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज हैंस एक्स्ट्रा इज नॉट डिस्कनेक्टेड एंड इट इज कनेक्टेड हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉम्पैक्टनेस, इसकी डेफिनेशन भी देख लो, ये कवरिंग ऑफ अ सेट लेट एक्स्ट्रा ऑफ योर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ई कंटेनिंग एक्स देन द कलेक्शन सी इज इक्वल टू जी लैम्डा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड कवरिंग और कवर ऑफ ई इफ एंड ओनली इफ ई कंटेनिंग यूनियन ऑफ जी लैम्डा, इफ एवरी मेंबर ऑफ कवर ऑफ सी इज टाउ ओपन सेट देन इट इज कॉल्ड ओपन कवरिंग ऑफ ई, इफ अ मेंबर ऑफ द सेटिंग इन ऑफ द सेट इन सी इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट कवरिंग अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट कवरिंग, अ कवरिंग सी स्टार इज सेट टू बी सब कवरिंग ऑफ अनदर कवरिंग सी इफ एवरी सेट इन सी स्टार इज इन सी ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अगले वीडियो में हम बेस लोकल बेस इन सभी ये बेस लोकल बेस और बहुत सारे फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें इस वीडियो को ताकि औरों को भी टोपोलॉजी के टॉपिक्स में हेल्प हो ठीक है। तब तक के लिए दो गज की दूरी मास्क जरूरी, अपने ध्यान रखें अपने घर वालों का ध्यान रखें आसपास आप सही बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।